subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं प्रेरणा न्यूज, जहां मिलती है स्पोर्ट्स की हर छोटी से बड़ी खबर आपको। सबसे पहले दोस्तों, आईपीएल 2020 का फाइनल मुकाबला आज गत विजेता मुंबई इंडियंस और दिल्ली कैपिटल्स के बीच दुबई के दुबई अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम में खेला गया। इस फाइनल मुकाबले में दिल्ली कैपिटल्स के कप्तान श्रेयस अय्यर ने मुंबई इंडियंस के खिलाफ टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। पिछले मुकाबले दिल्ली ने अपने प्लेइंग 11 में कोई बड़ा बदलाव नहीं किया, वहीं मुंबई ने एक बदलाव करते हुए राहुल चहर की जगह जयंत यादव को इस महत्वपूर्ण महामुकाबले में जगह मिली। तो दोस्तों, पहले बल्लेबाजी करते हुए दिल्ली ने निर्धारित 20 ओवरों में 7 विकेट पर 156 रन बनाए। दिल्ली के लिए श्रेयस अय्यर ने सर्वाधिक 64 रनों की पारी खेली। टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने उतरी दिल्ली की शुरुआत एकदम अच्छी नहीं रही। मुंबई के गेंदबाजों ने एक बार फिर दिल्ली के टॉप ऑर्डर की कमर तोड़ दी। पारी के पहले ओवर की पहली ही गेंद पर ट्रेंट बोल्ट ने दिल्ली कैपिटल्स को पहला और तगड़ा झटका दिया। बोल्ट की पहली गेंद को सलामी बल्लेबाज मार्कस स्टोनिस विकेटकीपर क्विंटन डीकॉक के हाथों खेल बैठे। उसके बाद तीसरे ओवर की चौथी गेंद पर दिल्ली कैपिटल्स को ट्रेंट बोल्ट ने दूसरा झटका दिया। चार गेंदों में 2 रन बनाकर खेल रहे अजिंक्य रहाणे को ट्रेंट बोल्ट ने विकेटकीपर क्विंटन डीकॉक के हाथों कैच आउट कराकर सनसनी मचा दी। तो दोस्तों, इसके बाद भी दिल्ली की मुश्किलें कम नहीं हुई। चौथे ओवर की तीसरी गेंद पर दिल्ली कैपिटल्स को जयंत यादव ने तीसरा झटका दिया। 13 गेंदों में 3 चौके की मदद से 15 रन बनाकर खेल रहे शिखर धवन को जयंत यादव ने क्लीन बोल्ड किया। इस समय टीम का स्कोर 3.3 ओवर में 22 रन थे। 6 ओवर की पावर प्ले के बाद दिल्ली का स्कोर 3 विकेट पर महज 41 रन ही बन पाया था। वहां से कप्तान श्रेयस अय्यर के साथ ऋषभ पंत ने विकेट पर टिककर बल्लेबाजी करी और 9 ओवर की समाप्ति पर दिल्ली कैपिटल्स का स्कोर 3 विकेट पर 59 रन बन गए थे। इस समय ऋषभ पंत 16 गेंदों पर 18 रन और श्रेयस अय्यर 20 गेंदों पर 24 रन बनाकर क्रीज पर मौजूद थे। 13 ओवर के बाद दिल्ली के इनिंग का दूसरा टाइम आउट लिया गया। इस समय टीम का स्कोर 3 ही विकेट पर 99 रन बन गया था। दोस्तों, पारी के 15वें ओवर में ऋषभ पंत ने 35 गेंदों में अपना सीजन का पहला अर्धशतक भी पूरा किया, लेकिन उसी ओवर में आखिरी गेंद पर दिल्ली कैपिटल्स को नाथन कुल्टर नाइल ने चौथा झटका दिया। हुआ यूं कि 38 गेंदों में 4 चौके और 2 छक्के की मदद से 56 रन बनाकर खेल रहे ऋषभ पंत को नाथन कुल्टर नाइल ने हार्दिक पांड्या के हाथों कैच आउट कराया। वहां से एक छोर पर कप्तान श्रेयस अय्यर ने सूझबूझ के साथ बल्लेबाजी करते हुए टीम को एक सम्मानजनक स्कोर तक पहुंचाया। तो दिल्ली के लिए कप्तान श्रेयस अय्यर ने सबसे अधिक 50 गेंदों में 65 रनों की बहुत ही महत्वपूर्ण और यादगार पारी खेल डाली। इसके अलावा ऋषभ पंत ने 38 गेंदों पर 56 रन और शिखर धवन ने 13 गेंदों में 15 रन बनाए। वहीं मुंबई की ओर से ट्रेंट बोल्ट ने 4 ओवर में 30 रन देकर 3 विकेट झटके, जबकि नाथन कुल्टर नाइन ने 2 और जयंत यादव ने 1 विकेट अपने नाम किया। तो दोस्तों, जवाब में 157 रनों के लक्ष्य का पीछा करने उतरी मुंबई इंडियंस को ओपनर्स रोहित शर्मा और क्विंटन डीकॉक ने एक तेज शुरुआत दिलाई, लेकिन 5वें ओवर की पहली गेंद पर मुंबई इंडियंस को मार्कस स्टोनिस ने पहला झटका दिया। 12 गेंदों में 3 चौके और 1 छक्के की मदद से 20 रन बनाकर खेल रहे क्विंटन डीकॉक को मार्कस स्टोनिस ने विकेटकीपर ऋषभ पंत के हाथों कैच आउट करवाकर सनसनी मचाई। तो इस समय टीम का स्कोर 4.1 ओवर में 45 रन था। 6 ओवर के पावर प्ले के बाद मुंबई का स्कोर 1 विकेट पर 61 रन बन गया था। वहां से कप्तान रोहित शर्मा के साथ सूर्य कुमार यादव ने एक अच्छी साझेदारी करी और 10 ओवर की समाप्ति पर मुंबई का स्कोर 88 रन था। इस समय रोहित शर्मा 30 गेंद पर 46 रन और सूर्य कुमार यादव 18 गेंदों पर 18 रन बनाकर खेल रहे थे, लेकिन अगले ही ओवर की 5वीं गेंद पर मुंबई इंडियंस को दूसरा झटका लगा। उस समय 20 गेंदों पर 1 चौके और 1 छक्के की मदद से 19 रन बनाकर खेल रहे सूर्य कुमार यादव दुर्भाग्यवश रन आउट हो गए, लेकिन एक छोर से ही कप्तान रोहित शर्मा ने टिककर बल्लेबाजी करते हुए रन गति को आगे बढ़ाया और 15 ओवर की समाप्ति पर मुंबई का स्कोर 2 विकेट पर 126 रन तक पहुंच गया था। यहां से मुंबई को जीत के लिए महज 30 गेंदों में 31 रन ही चाहिए थी और यहां मुंबई इंडियंस ने 5वीं बार आईपीएल का खिताब अपने नाम ये कर लिया। तो दोस्तों, ये महामुकाबला आज फिर से मुंबई ने जीत लिया है। दिल्ली कैपिटल्स को हार का मुंह देखना पड़ा और अपने स्क्रीन पर आप बखूबी इस मैच का हाल देख सकते हैं। दोस्तों, आप हमें कारण भी बता सकते हैं चैट बॉक्स में कि कौन सा ऐसा आज कारण रहा कि मुंबई इंडियंस की जीत
की वजह बनी, साथ ही दिल्ली कैपिटल्स क्यों हड़ा, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर से जरूर बताएं। साथ ही अपने फेवरेट खिलाड़ी का नाम भी हमें चैट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ ही आईपीएल के अन्य सभी अपडेट्स के बारे में जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सब्सक्राइब नाउ एंड प्रेस द बेल आइकन, नेवर मिस एन अपडेट।